नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने हिंदी YouTube चैनल आरोग्यम में। अगर आप भी डैंड्रफ से परेशान हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और ऐसे ही हेल्थ एंड ब्यूटी वीडियोस और आयुर्वेदिक टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को, तो आपको हमारे चैनल की अपडेट अपने फोन की नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। डैंड्रफ देखने में तो गंदा लगता ही है, साथ में इसकी कुछ और साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि गले में गांठ पड़ जाना, आंखों में इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन और बालों का झड़ना भी इसमें शामिल है। अगर डैंड्रफ की समस्या आपको लंबे समय तक रहती है तो ये फंगल इन्फेक्शन और कुछ अन्य बीमारियों का भी रूप ले सकती है। मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहूंगा कि डैंड्रफ एक कंटेजियस प्रॉब्लम है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़े आराम से फैलती है। तो अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में रहते हैं जो कि डैंड्रफ का शिकार है तो ये प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। और इसकी कुछ अन्य वजह है सर में खुश्की, सर की ठीक से सफाई ना होना या अपने बालों की ठीक तरह से देखभाल ना करना। अब जो पहला तरीका है डैंड्रफ को खत्म करने के लिए वो है बेकिंग सोडा। आप थोड़े से बेकिंग सोडा को दही में मिला करके अपने बालों में सुबह नहाने से पहले लगाएं, और इसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू यूज कर सकते हैं या कोई अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर सकते हैं। आपको ऐसा हफ्ते में कम से कम 3 दिन करना है। ऐसा रेगुलर करने से आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम 1 महीने में ही काफी कम हो जाएगी। अगला उपाय है तेज पत्ता। तेज पत्ता हम आमतौर पर खाने के एक मसाले के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन ये डैंड्रफ में भी बेहद लाभकारी है। आप थोड़े से तेज पत्तों को पानी में डालकर उबालें और जब ये थोड़ा सा गुनगुना या ठंडा हो जाए तो आप इसके छने हुए पानी से अपने सर को धोएं। अगला उपाय है संतरे के छिलके। आप ऑरेंज पील यानी संतरे के छिलकों को सुखा ले और उसको पीस ले। इसके पाउडर को दही में मिलाकर आपको बालों की जड़ों में लगाना है, और ऐसा आपको हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर करना है। डैंड्रफ को दूर करने के लिए अगला उपाय है अंडे। आप अंडे को फेंट कर उसमें दही और थोड़ा सा नींबू मिला लें। इसको बालों की जड़ों में लगाना है और आधे घंटे के लिए लगे रहने देना है। ये आपके बालों से डैंड्रफ तो दूर करेगा ही, साथ ही उनको सॉफ्ट, सिल्की और मजबूत बनाएगा। आप एलोवेरा जूस को भी डैंड्रफ खत्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। रेगुलर बालों के जड़ों में एलोवेरा जूस लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और साथ ही डैंड्रफ दूर रहता है। अगला उपाय है कि आप थोड़ा सा फ्रेश आंवला ले और उसको कस ले, साथ में उसमें थोड़ा सा पानी डाल दे। अब आपको ये सर में लगा करके आधे घंटे के लिए छोड़ना है। ऐसा रेगुलर करने से आपके बालों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, आपके बाल काले रहते हैं और इससे डैंड्रफ भी दूर रहेगा। इसके अलावा आप हफ्ते में एक बार गोले के तेल में यानी नारियल तेल में नींबू और एक बार हफ्ते में नारियल तेल में कपूर डाल के इस्तेमाल कीजिए। आपको इसे रात को लगाकर सोना है। अगर आप ये सारी रेमेडीज यूज करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 1 महीने में ही डैंड्रफ की समस्या काफी कंट्रोल हो जाएगी या फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आपको इन रेमेडीज में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपके सभी सवालों का जल्द से जल्द जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपने अभी तक अगर आरोग्यम को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आरोग्यम आपके निरोगी जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।